गुड मॉर्निंग क्लास। तो अब हम पढ़ेंगे गॉस लॉ और गॉस लॉ की वेरिफिकेशन और डिडक्शन ऑफ कूलम लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। तो शुरू करते हैं। तो गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ सिंपली कहता है कि किसी क्लोज सरफेस पर जो इंटीग्रेशन होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा बराबर होगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू क्या हो भाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये कहता है कि जो टोटल फ्लक्स होगा किसी भी क्लोज सरफेस पर वो कितना होगा, वो होगा क्यू टाइम्स इंटू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये था गॉस लॉ। तो गॉस लॉ क्या कह रहा है? गॉस लॉ ये बोल रहा है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय एनी सोर्स ओवर एनी क्लोज सरफेस ऑफ वॉल्यूम वी दैट इज टोटल फ्लक्स इज ऑलवेज इक्वल टू द क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो डेफिनेशन जो दी गई है ये काफी कॉम्प्लेक्स दी गई है, तो सिंपल है। तो सिंपल ये है, टोटल फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू चार्ज ओवर एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इंटीग्रेशन की सरफेस पर क्यों भाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। तो ये तो है इसकी स्टेटमेंट। लेकिन अब हम देखेंगे इसका वेरिफिकेशन कि क्या ये थ्योरम मैथमेटिकली करेक्ट है या नहीं है। तो लेट अस स्टार्ट। तो ये एक फिगर है, इसके सेंटर पर ओ पर एक चार्ज क्यू रखा हुआ है। तो हम इसके चारों तरफ एक क्लोज स्फीयर कंसिडर कर लेते हैं और उसके ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर डी एस और ये दूरी आर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इस तरफ ओ पी, और क्योंकि इसका एरिया वेक्टर भी इसी तरफ है, इसका एरिया वेक्टर भी इसी तरफ है, तो ये एरिया वेक्टर ये भी इसी तरफ है। तो इनके बीच में एंगल कितना होगा? जीरो, और कोस जीरो होता है वन। तो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी बताइए? वो होगी क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर। और अब हम इसका क्या निकालते हैं? डी फाई निकालते हैं। डी फाई इज इक्वल टू, तो फ्लक्स होता ही क्या है? वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता ही क्या है? ई डॉट डी एस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग ए पार्टिकुलर एरिया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग थ्रू ए पार्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या होगा? डीई, थोड़ा फ्लक्स, ई डॉट डी एस। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा? इसका भी इंटीग्रेशन और इसका भी पूरी सरफेस पर इंटीग्रेशन। तो डी फाई का तो आएगा फाई और ई आएगा बाहर, और डी ये जो डी एस है, एक बात बताइए, किसी भी सफियर पर जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा? तो किसी भी सफियर का टोटल सरफेस एरिया वो हमेशा कितना होता है? तो वो होता है फाई इज इक्वल टू ई डॉट 4 पाई आर स्क्वेयर। तो सरफेस इंटीग्रेशन अगर हम पूरी सरफेस पर इतने इसके समान, अगर हम पूरी सरफेस पर पूरे स्फीयर पर इस डीएस एलिमेंट जितने छोटे छोटे, अगर पूरी सरफेस को डीएस में कन्वर्ट कर दें, बांट दें, छोटे छोटे डीएस में बांट दें, तो सभी छोटे एलिमेंट अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा? तो आएगा स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया। मान लीजिए स्फीयर है और मैं इस पर छोटे छोटे एलिमेंट कंसिडर कर लेता हूँ और इन सभी एलिमेंट को ऐड कर देता हूं, तो क्या आएगा? टोटल सरफेस एरिया। और किसी भी सफियर का टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वेयर। और ई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है, इसको हम 1 2 3 4, तो इक्वेशन 4 में इक्वेशन 1 से वैल्यू रखिए, तो फाइव ई इज इक्वल टू
ई डॉट डी एस इज इक्वल टू ई की वैल्यू क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू फोर पाई आर स्क्वायर। तो वाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, क्योंकि फलक क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पर क्रॉसिंग पर्टिकुलर एरिया वो इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हैंड प्रूव। तो ये था गॉस थ्योरम एंड प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। तो ये था प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। अब हम डिस्कस करेंगे डिडक्शन ऑफ कूलम लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, डिडक्शन ऑफ कूलम लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। तो अब हम डिडक्ट करेंगे, अब हम गॉस लॉ का प्रयोग करके उससे हम निकालेंगे कूलम्स लॉ। तो डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ बाय यूजिंग गॉस लॉ। तो हमारा ये टॉपिक है डिडक्शन ऑफ कूलम लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। तो जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रूव किया था कि गॉस थ्योरम क्या होती है, द सरफेस द टोटल फ्लक्स ओवर एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, टोटल फ्लक्स ड्यू टू ए चार्ज क्यू ओवर एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। किसी भी सरफेस पर, किसी क्लोज सरफेस पर किसी चार्ज क्यू की वजह से जो टोटल फ्लक्स होगा वो हमेशा इक्वल होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि उस चार्ज को हम मल्टीप्लाई कर देंगे वन बाई एप्सिलॉन नॉट से, तो हम उसका टोटल फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो हमने स्टेट भी किया, प्रूव भी किया। अब हम देखेंगे डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ बाय यूजिंग गॉस लॉ। तो हमें पता है कि E dot ds is equal to q by epsilon naught Gauss formula। तो E को आप बाहर ले जाइए, ds q by epsilon naught, तो E into, तो ds का किसी भी सरफेस का तो किसी स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज। तो अब हम निकालेंगे ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। ये फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस बाई टेस्ट चार्ज एट एनी पॉइंट एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अब देखिए E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, तो F इज इक्वल टू क्यू नॉट E, क्यू नॉट E, तो F इज इक्वल टू क्यू क्यू नॉट फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये है कूलम्स लॉ, ये है कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है कि क्यू वन क्यू टू फोर एज नॉट आर स्क्वायर। तो हमने किसका प्रयोग किया, हमने यूज किया है गॉस थ्योरम का, और क्या ड्राइव किया है, उससे हमने ड्राइव किया है कूलम्स लॉ। तो गॉस लॉ से हमने डिडक्ट किया कूलम्स लॉ, और हमने उसको बहुत ही आसानी से वेरीफाई भी किया था कि E dot ds is equal to Q by epsilon naught। तो अब हमारे बचते हैं एप्लीकेशन ऑफ
घोंसला। एप्लीकेशन फॉर घोंसला। तो हम डिस्कस करेंगे घोंसला की एप्लीकेशन। तो हम मोटे तौर पर घोंसला की तीन एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग थिन, इनफाइनाइट लॉन्ग थिन, इनफाइनाइट वायर, चार्ज वायर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन शीट चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू होलो स्फीयर, होलो सफी है। तो ये है इसकी जो तीन एप्लीकेशन है मोटे तौर पर जो हम डिस्कस करेंगे, और इनको हम कल डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कैसे करेंगे हम घोंसला का प्रयोग करके किसी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए, किसी थिन शीट के लिए या किसी होलो सफियर के लिए। तो आज के लिए इसका इतना काफी है। थैंक यू।